नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रोनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज जो शेयर मैंने चूज़ किया है वो अशोक लेलैंड की बात करने से पहले, अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को बजाना बिल्कुल मत भूलिए। अशोक लेलैंड के बारे में जो बात कर रहा हूँ, अशोक लेलैंड का जो वर्किंग है आपको खुद पता है, कमर्शियल व्हीकल बनाती है, ठीक है, ट्रक बसेस ये सब चीज़ देखिए आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पर। तो ये इनका वर्किंग है। जो मैं आज ये कॉल देने जा रहा हूँ, ये 10 से 15 दिन की कॉल दे रहा हूँ, इसमें जो टारगेट दे रहा हूँ दोनों टारगेट 10 से 15 दिन में दोनों हिट हो जाएंगे, जिस तरह से इसके डेली चार्ट पर करेक्शन हो रही है। पहले इसका समझते हैं। तो आज ये ओपन होता है, देखिए अशोक लेलैंड 138.50 पे हाई मारता है, 143.15 का लो मारता है, 133.70 का इसका 52 हाई है, 149.70 का 52 लो है, 76.30 का, ठीक है, यह है इसका। तो अशोक लेलैंड का मोटा मोटा समझ लेते हैं हम लोग फाइनेंशियली क्या है इसके अंदर। देखिए फाइनेंशियली इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है। देखिए 74% हमें एनालाइजर बस में बाय करने के लिए। ये देखिए इसका लास्ट दो, यानी कि लास्ट 4 ईयर से ये प्रॉफिट मेकिंग चल रही है, बट 2021 का जो आया था ईयर वाई का जो आया था उसके अंदर ये डाउन हुआ था। देखिए इसमें देख न्यूज़ चल रही है, अशोक लेलैंड ने हैंडओवर करे 500 व्हीकल टू प्रोजेक्ट, ठीक है। अशोक लेलैंड ने अभी तक 5 के यूथ को प्रोजेक्ट दिया है, 500 व्हीकल उन्होंने डिलीवर्ड करा, यानी कि अच्छी, यानी 500 यूनिट्स बिक गई इनकी, ये बहुत अच्छी बात है। ये सेल्स का चार्ट डायग्राम बन के आ रहा है, इसलिए इस शेयर के अंदर तेजी है। 16 घंटे ही पहले इसमें आई थी। आज देख रहे हैं जिस तरह से निफ्टी एक तरफ गिर चुका है तो बैंक निफ्टी एक तरफ भाग रहा है, निफ्टी एक तरफ गिर रहा है तो बैंक निफ्टी एक तरफ भाग रहा है, तो अशोक लेलैंड उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर निफ्टी आज डे आफ्टर के बाद पॉजिटिव साइन में जाता है तो डेफिनेटली इसमें जो टारगेट देने वाला वो डेफिनेटली शायद आज भी अचीव हो जाए। 10 से 15 दिन का इसलिए क्योंकि पेशेंस साथ होल्ड रखी है। अब समझते हैं इसका ओवरव्यू मोटा मोटा। ये देखिए मैंने इसका डेली चार्ट ओपन कर रखा है, तो डेली चार्ट जो करेक्शन बन रही है, देखिए आज ये देखिए यहाँ से रीबाउंड हो गया है ये वापस। देखिए आज इन्हें लो मारा 133 का, तो वहाँ से रीबाउंड हुआ, ये कब बिट हैंडल का पैटर्न बना रहा है। तो इसमें जो पहला, इसमें आप 130 के स्टॉप लॉस से बाय करिए, तो इसमें पहला टारगेट आएगा 145 का, दूसरा टारगेट 150 का, दो क्योंकि आप 10 से 15 दिन में अपने 52 हाई की तरफ जाने वाला है। देखिए इसका आर एस आई अप ट्रेंड की तरफ आ गया, एम एस सी डी भी क्रॉस मूव से ऊपर जाने वाला है, ठीक है। ये अपने 52 हाई सब चीज़ों का हाइस पे चल रहा है इस टाइम पे, ये तो डेफिनेटली इसमें 52 हाई तोड़ेगा ये। तो पहला टारगेट 145, दो टारगेट 150 का, दो टारगेट के लिए बाय करिए, पेशेंस बने रहिए। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।